तो खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात उस खबर की। मुझे लगता है ऐसे खबर को वाकई प्रमुखता से उठाना भी चाहिए। आय से अधिक संपत्ति का मामला है। आपको बता दें कि छापेमारी की जा रही है, दो ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है, कई खुलासे हो सकते हैं। लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, दो जगह की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, राजगीर की तस्वीरें भी दिखाएंगे और देवघर। आपको बता दें कि पुलिस भवन निगम के कार्यपालक अभियंता के राजगीर और देवघर ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। तस्वीर देखिए और इससे आप बखूबी समझ सकते हैं कि क्या जीरो टॉलरेंस की जो बात करते हैं, जो भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की बात करते हैं, वो ऐसा है भी या नहीं है। आप समझ सकते हैं कि अभी तो जांच चल रही है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए और कई खुलासे हो सकते हैं। बिहार सरकार की विशेष सतर्कता इकाई ने 17 फरवरी 2022 को राजगीर में पुलिस भवन निगम में पदस्थापित कार्यपालक अभियंता अरुण कुमार सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था। विशेष न्यायाधीश विजिलेंस पटना की अदालत ने सर्च वारंट का आदेश जारी किया था और जिसके आधार पर यह छापेमारी चल रही है। कार्यपालक अभियंता अरुण कुमार सिंह के देवघर स्थित ऑफिसर कॉलोनी में विजिलेंस टीम ने कार्रवाई की है। बिहार से 10 सदस्य टीम इस कार्रवाई में जुटी हुई है। घर के बाहर पुलिस की तैनाती की गई, किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर देवघर से आप देख रहे हैं। लगातार हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और इस तस्वीर को दिखाने का मकसद ये है कि आप देख सकते हैं अभी तो कई सोने भी मिले हैं, कागजात भी मिले हैं और कैश भी बरामद किया गया है और आप समझ सकते हैं कि अभी और खुलासे हो सकते हैं। जाँच चल रही है, जाँच के बाद ये खुलासे हो सकते हैं। देवघर और राजगीर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ स्थिति है। हालांकि देखिए अभी तक आधिकारिक तौर पर कुछ भी बयान सामने नहीं आया है क्योंकि अभी लगातार जांच चल रही है। अवैध संपत्ति का खुलासा हुआ है, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। घर पर भी छापेमारी की जा रही है। देवघर की तस्वीरें भी दिखा रहे थे आपको, देवघर के आवास पर भी छापेमारी की गई, राजगीर के आवास पर भी छापेमारी की गई है। हालांकि देखिए अभी तक बयान भी सामने नहीं आया है कि क्या कुछ और खुलासे हो सकते हैं, लेकिन ये तय है कि जिस तरह से कागजात खंगाले जा रहे हैं कई खुलासे हो सकते हैं। देवघर के कार्यपालक अभियंता के घर पर ये छापेमारी और ये तस्वीरें हम आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब ये खुलासे हुए थे। किस तरह से देखिए कागजात भी खंगाले जा रहे हैं, ये कैश भी वहाँ पर बरामद किया गया है, सोने चांदी बरामद किए गए हैं और ये तस्वीरें आपको देवघर की भी दिखा रहे हैं, राजगीर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, नालंदा की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए कई जगहों पर एक साथ छापेमारी, तमाम बड़े अधिकारी इस छापेमारी में हैं और अब देखने वाली बात है कि और कितने खुलासे हो सकते हैं। तो तस्वीरों के जरिए दिखा सकते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीरें। इससे साफ जाहिर होता है कि बहुत लंबे वक्त से कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त थे ये अधिकारी। तो देखिए हमारे संवाददाता हमारे साथ रजनीश ब्यूरो हेड जुड़ चुके हैं पटना से लाइव। रजनीश देखिए आय से अधिक संपत्ति का मामला है और बाकी कई खुलासे हो रहे हैं और खुलासे हो सकते हैं, ताजा अपडेट जानना चाहेंगे। देखिए अंजलि, इधर के दिनों में अगर आप देखेंगे हाल के दिनों में तो लगातार इस तरह की कार्रवाई जो है वो हो रही है और बहुत ही उच्च पद पे बैठे हुए चाहे पदाधिकारी हो या फिर मंत्री के सहयोगी हो या इस तरह के जो भी लोग हों, जो भी इनपुट मिल रहा है उसके आधार पे लगातार कार्रवाई की जा रही है। और इसी कड़ी में 17 तारीख को जो मामला दर्ज किया गया था उसमें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं पुलिस बिल्डिंग कॉरपोरेशन में अरुण कुमार सिंह और उनके आवास पर और एक साथ राजगीर में और देवघर में दोनों जगहों पर विजिलेंस की टीम की छापेमारी चल रही है और पदस्थापित हैं ये और पुलिस जो कॉरपोरेशन है उसमें ये कार्यपालक अभियंता यानी कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं और जो इनपुट मिला था उसके आधार पे मामला जो दर्ज किया गया था उस पर जो विशेष न्यायाधीश हैं सतर्कता के उनके ओर से संज्ञान लेने की बात कही गई थी और उसके बाद ये कार्रवाई की जा रही है। तो जाहिर तौर पे एक मैसेज जो है सरकार की ओर से वो देने की कोशिश है, साथ ही साथ जो पुलिस प्रशासन का जो दायित्व है खासतौर पर जो विजिलेंस है या तमाम ऐसे जो एजेंसियाँ हैं वो अपनी काम वो अपना काम जो है
वो इस तरीके से कर रहे हैं। जो भी इनपुट मिल रहा है उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। हालांकि अभी फौरी तौर पर कुछ भी निकलकर सामने नहीं आया है कि क्या कुछ मिला है। अंतिम तौर पे जो काउंटिंग होगा और जो मिलान किया जाएगा उसके बाद जो आधिकारिक तौर पे बयान आएगा उसके बाद अंजलि इस मामले पर कुछ कहा जा सकता है कि क्या कुछ प्राप्त हुआ है। लेकिन जिस तरीके से मामला दर्ज हुआ था और जो इनपुट मिले हैं उसके आधार पे विजिलेंस की छापेमारी दोनों जगहों पे, देवघर में जो ऑफिसर्स कॉलोनी है वहाँ पे अरुण कुमार सिंह जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है उनका घर है, और राजगीर में भी वहाँ पे वो पदस्थापन है, तो इन दोनों जगहों पे कार्रवाई जो है वो चल रही है। अंजलि जी बिल्कुल जैसा कि आप बता रहे हैं कार्रवाई चल रही है, आधिकारिक तौर पर अभी कुछ भी नहीं कहा गया है। लेकिन सवाल उठता है रजनीश, जिस तरह से देखिए आय से अधिक संपत्ति का मामला है और एक बार नहीं तमाम है ऐसे अधिकारियों की खबरें दिखाते हैं, सवाल उठता है कि जो भ्रष्टाचार की नीति की बात कही जाती है किस पर लगाम लगाया जा रहा है, लेकिन इस तरह से जब खुलासे होते तो कई सवाल उठने लगते हैं। और बाकी महत्वपूर्ण बात आपने कही कि देखिए जो ये अब कार्रवाई हो रही है अभी कई ऐसे खुलासे भी हो सकते हैं, इससे एक संदेश जरूर जाएगा। देखिए अंजलि, अगर पिछले दिनों की भी जो बातें देखी होंगी आपने और जिस तरीके से अगर ये जो तत्कालिक अरुण कुमार सिंह का है मामला, तो अभी आना है शाम तक ये पता चल पाएगा, लेकिन इसके पहले की अगर आप देखें जो छापेमारी विजिलेंस की हुई है उसमें अकूत संपत्ति के जो कागजात हैं साथ ही साथ ज्वेलरी है और तमाम सारी ऐसी बातों को जो देखा गया है कि सामने निकल कर आया है जो कि आय से अधिक संपत्ति का मामला है। और ऐसे में सवाल निश्चित तौर पर उठता है कि अगर कोई सरकारी चाहे मुलाजिम हो, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, उनके पास, और कई दफ़ा तो ऐसा देखा गया है जो तृतीय कर्मी या चतुर्थ कर्मी जो पदाधिकारी हैं कोई ऐसे पद पे है पदस्थापन उनका, उनके पास छापेमारी में भी जो जिस तरीके से संपत्ति सामने निकल कर आया है और ख़ास तौर पे चाहे कैश की बरामदगी हो, तो वो निश्चित तौर पर बहुत सारे सवाल जो है वो खड़ा करते हैं कि जो हमारी व्यवस्था है, सिस्टम है, और उसमें जो कुछ दोषारोपण या फिर आरोप प्रत्यारोप चलता रहा है वो कुछ सामने देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में अब एजेंसियां जो है वो भी सतर्क हुई हैं, साथ ही साथ अब इनपुट भी आ रहा है, अगर कोई भी मामला दर्ज होता है उस पर एजेंसी अब कार्रवाई कर रही है और सरकार स्पष्ट ये संकेत दे रही है ऐसी कार्रवाई करके कि चाहे कोई भी कितना भी बड़ा हो या छोटा हो, अगर इस तरीके की मामला सामने आता है तो सरकार जो है एजेंसी उस पर कार्रवाई करेगी और ऐसे मामलों में विधि संगत कार्रवाई की जाएगी। और इसी के तहत जो इनपुट 17 तारीख को जो मामला दर्ज किया गया था, इनपुट मिले थे, उसके आधार पे जो कार्यपालक पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता हैं उनके घर पे छापेमारी जो है